पार्ट 11 की शुरुआत में हम नाभी को फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहां उसे रिन के फोन में कोई भी सबूत नहीं मिलता क्योंकि आंट वी ने फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर विन को बताते हैं कि भले ही आपके डैड को होश आ गया है, बट वो कुछ दिनों तक चल फिर नहीं पाएंगे। बाहर आकर विन आंट से कहता है कि प्लीज आप ये बात किसी को मत बताइएगा कि मेरे डैड ठीक हो चुके हैं, स्पेशली आंट वी को तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए। नाभी के फ्रेंड्स जब जा रहे थे तभी कुछ गुंडे आकर उन पे अटैक कर देते हैं। वेल, यहाँ इन दोनों की लव स्टोरी भी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगती है। पोंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं नाभी से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ और नाभी को बस अपनी फ्रेंड मानता हूँ, बट सैंडी उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती क्योंकि पोंग बस हमेशा नाभी के बारे में ही सोचता है और उसकी चिंता करता है। दूसरी तरफ विन आंट वी से कहता है कि कल मैंने आपको डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, बट आपको जरूरत है। आंट कहती है ना ही मैं पागल हूँ और ना ही मैं बीमार। विन कहता है इसका मतलब ये सब आपने जानबूझकर किया है, डैड का एक्सीडेंट, नाभी पर अटैक एंड सिरिन का गायब होना, ये सब आपने ही किया है। वो कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। विन कहता है तो फिर सिरिन का फोन आपके पास कैसे आया? जिस रात डैड पर अटैक हुआ था उस रात नाभी ने सिरिन को कॉल किया था जिसे डैड ने उठाया था और तब वो आपके घर में थे, आपने ये सब क्यों किया? वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया एंड वहाँ से जाने लगती है। विन कहता है सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, तब भी आप मानने से इनकार कर रही हैं। मैं आपको आखिरी चांस दे रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, बट अगर आपने मना किया तो फिर मैं नाभी की हेल्प करूँगा आपको जेल भेजने में। वेल, ये सुनकर उन्हें बुरा तो लगता है बट फिर भी वो कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो एंड वहाँ से चली जाती हैं। घर आकर वो हर जगह सिरिन का फोन ढूंढने की कोशिश करती हैं बट उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वो कहती है कि कहीं ये विन का काम तो नहीं। नेक्स्ट सीन में लादा विन से मिलने जाती है। वो कहती है मैंने तुम्हें काफी मिस किया इसलिए यहाँ तुमसे मिलने आ गई, क्या तुमने भी मुझे मिस किया? वेल, ये सुनकर नाभी जेलस हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। वो जब डैड को देखने जा रही थी तो आंट उसे अंदर जाने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि विन ने सभी को अंदर जाने से मना किया है। नाभी जब विन से इस बारे में बात करने जाती है तो वो नाभी को भी नहीं बताता कि डैड ठीक हो चुके हैं। वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि डैड अभी ठीक नहीं है, उन्हें और भी ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। नाभी वहाँ से जाने लगती है तो विन कहता है मैं तुम्हें एक बार और बता दूं कि मेरे एंड लादा के बीच में कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस जस्ट फ्रेंड्स हैं। नाभी कहती है तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। विन कहता है मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम तो मेरी मॉम हो ना, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम मेरे बारे में कुछ गलत समझे या फिर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। नाभी कहती है अगर सच में तुम मुझे अपनी मॉम मानते हो तो तुम्हें इस बारे में सोचने की या फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, एंड वहाँ से जाने लगती है तो विन उसे रोकते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाले बच्चों की माँ लादा को लेकर मुझे गलत समझे क्योंकि हमारे बीच में कुछ नहीं है। वैसे आज मुझे काफी सारा काम है तो तुम जल्दी सो जाना, गेट लॉक करके रखना और अपना ध्यान रखना। विन जब डैड की हेल्प कर रहा था तो डैड कहते हैं क्या तुम आंट वी से नफरत करते हो? विन कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो उनके लिए बुरा लगता है। बट आपका क्या, क्या आप उनसे नफरत करते हैं? क्योंकि उन्होंने आपके साथ ये सब किया और मॉम की डेथ भी उन्हीं की वजह से हुई है। डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं उससे नफरत करता हूँ। विन कहता है अगर आंट को जेल में भेजने के बजाय मैं उनका प्रॉपर मेंटल ट्रीटमेंट कराऊं तो क्या आप मुझसे गुस्सा होंगे? डैड कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे अपने माँ की तरह प्यार करते हो। दूसरी तरफ मिस्टर चेच चाय जोजो की हेल्प से विन के पब को क्लोज करवा देता है क्योंकि विन ने उसके बिजनेस करप्शन की डिटेल्स मीडिया को दे दी थी, तो इसी का बदला लेने के लिए चेच चाय ने ये सब किया। नाभी जब दूध पी रही थी तो आंट वी उसे देखकर हंस रही थी क्योंकि उन्होंने उसमें भी वही जहरीला पाउडर मिला दिया था, जिस वजह से जैसे ही वो खड़ी होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी पोंग कॉल करके नाभी को बताता है कि मैंने रिन का फोन सक्सेसफुली रिस्टोर करवा लिया है,
जिसमें मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो क्लिप मिली है। इसे देखकर तुम समझ जाओगी कि आखिर किसने विन की मॉम को मारा है। शायद सिरिन ने ये सब देख लिया था तो आंट वी ने उसे भी गायब कर दिया। नाभी को काफी जोर जोर से चक्कर आने लगते हैं तो आंट वी चाकू लेकर उसके पास जाती हैं और उसे उकसाते हुए कहती हैं कि तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी बहन को मारा है, मैंने उसे जान से मार दिया। तभी उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं कि रिन कह रही है प्लीज नाभी वी को मार दो क्योंकि इसी ने ही मुझे मारा है। आंट कहती है कि मारो मुझे क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैंने पहले उसे टॉर्चर किया और फिर मार दिया, मैंने तुम्हारी दी को उसके बच्चे के साथ जिंदा ही दफन कर दिया जिससे वो धीरे धीरे मर गई। वेल नाभी अपने आप को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करती है बट एट लास्ट वो खुद पे से अपना कंट्रोल खोई देती है एंड आंट वी को मारने जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो चिल्ला चिल्ला कर हेल्प के लिए बुलाती है एंड देन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती हैं एंड आंट से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती हैं। तभी वहां पोंग और सैंडी आ जाते हैं बट किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि नाभी ने आंट वी को मारने की कोशिश की। वो सभी जब हॉस्पिटल में होते हैं तो पोंग विन को भी उस वीडियो के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है तुम्हारी आंट अपनी आंखों के सामने ही तुम्हारी मॉम को मरता हुआ देख रही थी बट उन्होंने कुछ नहीं किया। विन जब आंट वी के पास जाता है तो वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि नाभी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत डरी हुई हूँ। वो कहता है शायद नाभी आपसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि आपने उसकी बहन को उससे दूर कर दिया। आन कहती है बट मैंने कुछ नहीं किया और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूंगी। विन कहता है क्योंकि रिन ने आपको देख लिया था कि आप मेरी मॉम को डूबता हुआ देख रही हैं बट उनकी हेल्प नहीं कर रही। आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आपने मेरी मॉम को बचाया नहीं और उन्हें मरने दिया। आन कहती है आई एम रियली सॉरी। विन कहता है आपने ऐसा क्यों किया, वो तो आपकी बहन थी ना, आपने मेरी माँ को क्यों नहीं बचाया। वो कहती है क्योंकि मैं उससे नफरत करती थी, मैं नफरत करती थी क्योंकि कभी भी उसने मुझसे प्यार नहीं किया, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती थी, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने कभी भी मुझे अपना बहन नहीं बल्कि सिर्फ एक नौकरानी माना जबकि मैंने उसके लिए सब कुछ किया। विन कहता है तो आंट वी आपने मुझसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। वो कहती है मैं कैसे बताती, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ और अगर तुम भी मुझसे नफरत करने लगते तो मेरा क्या होता। विन कहता है तो फिर डैड का क्या, आपने उन्हें मारने की कोशिश क्यों की। आन कहती है मैंने कुछ नहीं किया। जिसे सुनकर विन जबरदस्ती उन्हें पकड़कर रूम से बाहर लाता है और कहता है कि अगर सच में आपने उन्हें हर्ट नहीं किया तो ये बात उनके सामने कहिए। वेल, जैसे ही आंट को पता चलता है कि डैड ठीक हो चुके हैं तो मानो उनके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। विन कहता है क्योंकि मुझे डर था कि आप फिर से डैड को मारने की कोशिश करेंगी। तभी विन को पोंग का कॉल आता है। विन कहता है क्या तुम्हें सिरिन की बॉडी मिल गई। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब आंट वी एंड प्रोफाई आपस में बात कर रहे थे कि सिरिन की बॉडी गार्डन में फूलों के नीचे दबी हुई है मगर हमें उसका कुछ करना होगा, तो पीछे से विन ने भी सारी बातें सुन ली थी, पीछे से नहीं आई मीन गेट के बाहर से, एंड देन वो मैसेज करके इस बारे में पोंग को बता देता है। आंट वी को जब ऐसा लगता है कि अब वो चारों तरफ से फंस चुकी हैं तो वो वहां से भागने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। विन कहता है आंट वी अब तो मान जाइए, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। वेल, यहां वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती हैं एंड वहीं बेहोश हो जाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पुलिस विन को बताते हैं कि बॉडी चेक करने के बाद हमें पता चला कि वो सच में सिरिन की ही बॉडी है। आंट वी को जैसे ही होश आता है तो वो फिर से पागलों की तरह बिहेव करने लगती हैं, जिन्हें देखकर एज अ व्यूअर हमें सच में लगता है कि वो पागल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ जब नाभी को पता चलता है कि उसकी दी की डेथ हो चुकी है तो भागते हुए आंट वी के पास जाकर उनपे काफी गुस्सा करती है बट विन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। विन कहता है नाभी प्लीज ये सब मत करो, वो ऑलरेडी शॉक में है। वेल, यहाँ एक तरफ जहाँ अपनी दी को खोने से नाभी की हालत खराब होती है तो दूसरी तरफ आंट वी की भी। अब इनकी क्यों खराब है आई डोंट नो, या आई थिंक क्योंकि वो फंस चुकी हैं। नाभी जब बैठकर रो रही थी तभी वहाँ विन आता है।
वॉन्ग कहता है, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाकर अपनी पागलांड का ध्यान रखो। वो कहता है, क्या मैं नावी से अकेले में बात कर सकता हूँ? तो सैंडी वॉन्ग को लेकर वहाँ से चली जाती है। नावी कहती है, तुम महान हो, आखिर तुम अपनी मॉम के खूनी को ही ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, क्या तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं आ रहा? तो विन उसे हक करते हुए कहता है कि आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, आई एम सॉरी कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। नाभी कहती है, तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी दी वापस नहीं आ जाएगी, मरने से पहले उसने तुम्हारी आन से अपनी जान की भीख मांगी होगी, बट उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उन्हें माफ कर दूंगी? उन्हें उनके किए की सजा मिलकर ही रहेगी, मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि वो पागल नहीं है एंड उनकी असली जगह हॉस्पिटल में नहीं बल्कि जेल में है। विन वहाँ से जाने लगता है तो नाभी कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी आंट पागल है? विन कुछ नहीं बोलता एंड वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब उसे भी आंट पर शक है कि वो पागल नहीं बल्कि एक्टिंग कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग नाभी अपनी दी का रिचुअल करती है। वो कहती है, रिन फाइनली तुम घर आ गई, आज से हम दोनों यहाँ साथ में रहेंगे। दूसरी तरफ आंट भी एक्टिंग करते हुए आंट जंग को रूम से बाहर कर देती है एंड देन प्रफाय को कॉल करती है। प्रफाय कहता है, आप कहाँ हैं, मैं आपसे हॉस्पिटल मिलने आ रहा हूँ। बट आंट वी उसे आने से मना कर देती है। वो कहती है, अगर तुम यहाँ आए तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, सो प्लीज कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर छिप जाओ। प्रफाय कहता है, मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर आपकी प्लेस पर जेल जाने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है, तुम टेंशन मत लो, कोई भी मुझे जेल में नहीं डाल सकता, और जब तक सभी को ये लग रहा है कि मैं सच में पागल हूँ तब तक कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। आंट वी विन से कहती है कि प्लीज मुझे घर ले चलो, मैं काफी डरी हुई हूँ, वो लड़की आकर मुझे मार देगी। विन कहता है, ठीक है मैं आपको घर ले चलूंगा। वो कहती है, क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ ताकि मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? क्या तुम्हें याद है कि बचपन में मैं तुम्हें हमेशा लोरियां सुनाया करती थी? वेल, ये सब याद करके विन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी पीछे से नाभी आकर उन्हें हक करता हुआ देख लेती है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि जिसने उसकी दी को जान से मारा है विन उसी को हक कर रहा है। नाभी विन के पास जाकर कहती है कि क्या तुमने ही सिरिन के मौत के इल्जाम में आंट वी की बेल कराई है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आंट को घर ले जा रहा हूँ, और वैसे भी तुमने जो सबूत पुलिस को दिए हैं वो ये प्रूफ करने के लिए काफी नहीं है कि आंट वी ही खूनी है। नाभी कहती है, अगर ये आंट वी ने नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? विन कहता है, शायद प्रफाय ने। वो कहती है, चलो मान लिया कि ये काम प्रफाय ने किया होगा, बट उसे ये करने के लिए तुम्हारी आंट ने ही कहा होगा। पॉन्ग कहता है, तुम तो अपनी आंट के प्यार में इतने ज्यादा पागल हो गए हो कि सही गलत ही भूल गए। घर आकर सैंडी नाभी को बताती है कि अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि आंट वी सच में पागल है तो उन्हें कोई भी सजा नहीं होगी, उनके खिलाफ सभी चार्जेस हटा दिए जाएंगे। नाभी कहती है, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, सबसे पहले हमें प्रफाय को ढूंढना होगा ताकि वो पुलिस को सब कुछ सच बता सके। दूसरी तरफ मिस्टर चचाय अपनी बेटी को विन से दूर रहने के लिए कहते हैं, बट वो ऐसा करने से मना कर देती है। लादा कहती है, आज तक मैंने जो भी चाहा है उसे पाया है, बिल्कुल आपकी तरह, और आप भी तो उसकी स्टेप मॉम को पाना चाहते हैं, बट प्लीज उसके प्यार में पागल मत हो जाइए कि एक दिन वो आपका ही काट कर चली जाए। तभी उन्हें नाभी का कॉल आता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। वो कहता है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम काफी सेक्सी लग रही हो। नाभी कहती है, मुझे पता है कि ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वेल, यहाँ नाभी मिस्टर चचाय को किस करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए प्रफाय को ढूंढ कर लाओ। वो नाभी के और भी ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करता है तो नाभी कहती है, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन काम होने के बाद। देन नेक्स्ट सीन में हम आंट वी को घर में देखते हैं, जहां विन उनका काफी ध्यान रख रहा था। तभी वहां उससे मिलने लादा आती है। वो सभी जब साथ में खाना खा रहे थे तो नाभी वहां अपने एडवोकेट एंड मिस्टर चचाय के साथ आती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आंट वी के मेंटल स्टेट की फिर से चेकिंग हो।
बट अगर वो ऐसा करने से मना करती है तो मुझे उनकी बहन की वो वीडियो दिखानी होगी जिसमें उनकी बहन उनकी आंखों के सामने ही डूब रही थी, बट आंट वी वहीं खड़े उन्हें देख रही थी। वेल, ये सुनकर विन नाभी को काफी गुस्से में बाहर लाता है। वो कहता है, तुम यहाँ मिस्टर चचाए के साथ क्यों आई हो? नाभी कहती है, क्योंकि वो मेरी सिरिन के केस में हेल्प कर रहा है, और अगर तुम्हें अपनी आंट को हर्ट करने में इतना ही ज्यादा पेन हो रहा है तो मत करो, मगर मैं करूँगी। विन कहता है, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना कि चचाए तुम्हारी फ्री में हेल्प नहीं करेगा। नाभी कहती है, मुझे पता है, वो मेरी हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने ही उसे एक डील ऑफर की है। विन डील के बारे में पूछता है तो नाभी कुछ नहीं बोलती एंड वहाँ से जाने लगती है। तो विन उसे रोकते हुए एंड हक करते हुए कहता है कि प्लीज नाभी, ये सब यहीं बंद कर दो। नाभी कहती है, मैं नहीं कर सकती, अब ये सब बंद उसी दिन होगा जिस दिन तुम्हारी आंट को उनके किए की सजा मिलेगी। दूर से लादा भी उसकी सभी बातें सुन रही थी। वो कहती है, नाभी तुम दोनों को धोखा देना चाहती हो, मेरे डैड को भी और काविन को भी, विन को भी। दैट्स वाई वो रात को नाभी के घर जाकर उसे अपने डैड एंड विन दोनों से दूर रहने के लिए कहती है। नाभी कहती है, तुम्हारे डैड और मेरे बीच क्या है ये हमारी प्रॉब्लम है, और रही बात विन और मेरी तो हमारा रिलेशनशिप बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, सो प्लीज़ इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूँ यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड आंट वी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखा होता और विन की मॉम को तुम्हें हर्ट ना करने दिया होता तो आज तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। डैड और विन जब बात कर रहे थे कि शायद आंट पागल होने का नाटक कर रही है तो पीछे से लादा भी सब कुछ सुन लेती है। वो कहती है, लगता है आपने अभी तक अपनी न्यू वाइफ के साथ मैरिज रजिस्टर नहीं की है, राइट? क्योंकि बहुत जल्द मेरे डैड और नाभी के बीच में कुछ होने वाला है, हमें गुड न्यूज मिलने वाली है। विन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, नाभी तुम्हारे डैड से शादी कर ही नहीं सकती। जिसे सुनकर लादा वॉज लाइक, ओ रियली, बट मैंने तो सुना है कि अगर मेरे डैड प्रोफाइल को ढूंढ लेंगे तो वो मेरे डैड से शादी कर लेगी, क्योंकि अगर उसने प्रोफाइल को ढूंढ लिया तो उसे आंट वी के खिलाफ एक पक्का सबूत मिल जाएगा। जिसे दूर से आंट वी भी सुन लेती हैं। लादा उसके पास जाकर कहती है कि तुम सच में पागल हो या एक्टिंग कर रही हो, मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रही हो, राइट? जिसे सुनकर आंट वी उसे डराने की कोशिश करती है, बट यहाँ लादा उल्टा उन्हें ही डरा देती है। वो कहती है, आंट वी, अगर आप नहीं चाहती कि आपका सच बाहर आए तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मगर कब ये मैं आपको बताऊंगी, टाइम आने पे। वेल, यहाँ आंट वी वॉज लाइक, दूसरी तरफ हम प्रोफाइल को देखते हैं जिसे मिस्टर चचाए के गुंडे आकर पकड़ लेते हैं। एक्चुअली वो नाभी पर नजर रख रहा था और जैसे ही वो बाहर आता है तो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। प्रोफाइल कहता है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? वो कहता है, इसलिए क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो वी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, एंड जैसे ही विन एंड उसके डैड को पता चलेगा कि तुम यहाँ मेरे पास हो तो आई एम श्योर कि वो दोनों तुम्हें बचाने जरूर आएंगे, तो मैं उन दोनों को मार डालूंगा। घर में आंट प्रोफाइल के लिए काफी परेशान हो रही थी। वो कहती है, प्रोफाइल आखिर तुम कहाँ हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस ड्रामा का एक आखिरी लास्ट पार्ट और बचा है जो कल अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हेल्दी, बाय बाय, एंड या आई लव यू सो मच।